अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूँ उमैरा और आज मैं आपके साथ चिकन मसाला कलेजी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चिकन मसाला कलेजी में जो चीज़ें हमें दरकार हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हम लेंगे दही एक पाव, हल्दी एक चम्मच, प्याज बारीक कटी हुई 2 से 3 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, किसी भी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, कुकिंग ऑयल 1/2 कप और पानी 1 कप। और मैंने कलेजी ली है चिकन की, आप बीफ की या मटन की भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने चिकन की कलेजी ली है। इसको धो के साफ सुथरा करके पानी में से निकाल, पतीली लेंगे हम, उसको गरम करेंगे और उसमें 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। फिर इसमें हम बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे, हमने 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज ली थी। प्याज हम ब्राउन होने देंगे और बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी हमने। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, उसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच और उसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। जब ये हल्का सा ब्राउन होने लगे तो हम इसके अंदर किसी भी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 खाने का चम्मच ऐड करेंगे। इसमें चम्मच चलाएंगे हम ताकि हमारा मसाला नीचे लगे ना, और 1-2 मिनट के लिए हम इसको मसाला भूनने देंगे। इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और थोड़ा सा मसाला भूनेंगे, मिक्स कर लें ताकि हमारा मसाला नीचे लगे ना। फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही। दही हमने पहले से फेंट ली थी, बलाई उतार ली थी, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें आप इस तरीके से। फिर हम इसको कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पकाने के लिए रख देंगे। देखिए 5 मिनट हो गए, हमारा मसाला भुन गया। हम इसमें कलेजी ऐड करेंगे जो हमने धो के रखी हुई थी, सारी कलेजी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको दोबारा से ढक के पकने के लिए रख देंगे। ताकि और इसमें चम्मच नहीं चलाना कि हमारी कलेजी टूटे ना, इसको हम पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। जब हमारी कलेजी गल जाएगी हम इसमें ऐड करेंगे नमक। हमने नमक लास्ट में डालना है क्योंकि अगर हम पहले डालेंगे तो हमारी कलेजी नरम नहीं होगी, सख्त हो जाएगी। हसबे जायका जितना आपने नमक डालना है उसमें नमक डाल दें और इसको ढक दें। अब हमारी कलेजी तैयार है, हम इसको डिश आउट करते हैं। हमने अपनी कलेजी डिश आउट कर ली है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।